अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्विचिंग। पहले हम देखते हैं स्विचिंग है क्या। इट्स अ मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स और नोड्स के दरमियान जो हम प्रोसेस या मैकेनिज्म या टेक्निक यूज़ करते हैं उसे हम स्विचिंग बोलते हैं। इंफॉर्मेशन को शेयर करने के तीन तरीके हो सकते हैं जो स्विचिंग की मदद से किया जाता है, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। सबसे पहले देखते हैं सर्किट स्विचिंग क्या है। सर्किट स्विचिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें एक डेडिकेटेड पाथ जो है, अनब्रोकन पाथ, वो इस्टेब्लिश हो जाता है आपके सेंडर और रिसीवर के दरमियान। इसकी एग्जांपल टेलीफोन स्विचिंग इक्विपमेंट है जो कॉलर के टेलीफोन में जो है एक रिसीवर टेलीफोन तक फिजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और फिर जो है उसके ज़रिए से आप अपना डाटा या बात जो भी है वो सेंड कर सकते हो। इसमें एक दफ़ा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो दोनों एंड्स के दरमियान तब तक डाटा, जब तक कनेक्शन आपका टर्मिनेट नहीं होता, डाटा जो है वो सेंड होता रहता है। इसमें राउटिंग डिसीजन भी बनाया जाता है। व्हेन द सर्किट इज फर्स्ट इस्टेब्लिश, जब इस्टेब्लिश होता है सर्किट तो आपने राउटिंग डिसीजन और पाथ जो है वो बता देना होता है और देयर इज़ नो डिसीजन आफ्टर टाइम। इसके बाद आप कोई भी डिसीजन नहीं कर सकते। सर्किट स्विचिंग इन ए नेटवर्क ऑपरेट्स ऑलमोस्ट द सेम वे एज टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम। एक कंप्लीट एंड टू एंड पाथ जो है वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है इससे पहले जबकि कम्युनिकेशन हो। कंप्यूटर इनिशिएटिंग द डाटा ट्रांसफर मस्ट आस्क फॉर ए कनेक्शन टू डेस्टिनेशन। कंप्यूटर जिसने आपका डाटा ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट करनी है वो एक कनेक्शन डेस्टिनेशन के लिए आपका एक रिक्वेस्ट जो है वो मांगेगा, आस्क करेगा कि कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहिए। वंस द कनेक्शन हैज़ बीन इनिशिएटेड एंड कम्प्लीटेड टू डेस्टिनेशन डिवाइस, द डेस्टिनेशन डिवाइस मस्ट एक्नॉलेज दैट इट इज़ रेडी एंड विलिंग टू कैरी ऑन ट्रांसफर। जब कनेक्शन बन जाता है, यानी इसका मतलब है कि सेंडर और रिसीवर दोनों का मौजूद होना सर्किट स्विचिंग में ज़रूरी है। सेंडर जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, रिसीवर जब तक उसको एक्नॉलेज नहीं करेगा कि वो डाटा लेने के लिए रेडी है तब तक वो डाटा सेंडर सेंड नहीं कर सकता। जब ये एक्नॉलेजमेंट रिसीवर की तरफ से हो जाती है तो तब आपका डाटा जो है वो सेंड होना शुरू हो जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? कम्युनिकेशन चैनल वंस एस्टैब्लिश इज डेडिकेटेड, ठीक है, यानी आपका रिलायबल चैनल होता है जो आपने कम्युनिकेशन यूज़ करना है, जिस चैनल से थ्रू आपने करानी है वो रिलायबल होता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? लॉन्ग वेट टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। अगर आपने कनेक्शन के लिए जो टाइम फिक्स हुआ होता है हर एक चीज़ का, तो जब आपने कनेक्शन करवाना होता है तो उसमें अक्सर आपको लॉन्ग वेट करना पड़ता है। और जैसे कि अगर आपका टाइम पीछे 10 सेकेंड्स का फिक्स है लॉन्गर डिस्टेंस के लिए या इंटरनेशनल कॉल्स के लिए, तो आपका डाटा जो है अगर इससे एक्सीड कर जाता है या कनेक्शन जो है वो 10 सेकेंड्स के बाद भी आपका नहीं हो सकता तो आपका डाटा जो है ट्रांसमिट नहीं होगा, यानी इसमें डिले आ जाता है। मोस्ट एक्सपेंसिव है ये दूसरी टेक्निक से बिकॉज ए डेडिकेटेड पाथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच कनेक्शन। An inefficient use of communication channel because the channel is not used when the connected systems are not using it. क्योंकि इसमें जो हमारा communication channel होता है, जो communication path होता है, वो use नहीं हो रहा था अगर sender and receiver जो हैं वो जब तक connection की acknowledgement नहीं करते तो channel भी useless होता है। इसी वजह से इसको कहा गया है कि inefficient use है communication channel का। Next है हमारे पास message switching। With this technique, there is no need to establish dedicated path between two stations. Sender और receiver के दरमियान dedicated path की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। When a station sends a message, the destination address is dependent to the message. अब जब एक sender ने send करना है message, तो वो क्या करता है कि जिस destination पे उसने message भेजना है वो उसके साथ उसका address जो है वो append कर देता है, साथ attach कर देता है। The message is then transmitted through the network. Network के through message जाता है from one node to another, ठीक है। Each node receives the entire message, stores in it entirely on the disk and then transmits the message to the next node. यानी एक network के अंदर जितने possible nodes आते हैं, message जो है हर node से pass करता है, हर node जो है वो उसको उसका data जो है वो store कर लेता है अपनी disk पे ऊपर और फिर उसको next node की तरफ transmit कर देता है। ये technique जो है इसको हम कहते हैं store and forward technique या store and forward network. मैसेज स्विचिंग नोड इज टिपिकली अ जनरल पर्पज कंप्यूटर। द डिवाइस नीड्स सफिशियंट सेकेंडरी स्टोरेज कैपेसिटी टू स्टोर द इनकमिंग मैसेजेस विच कुड बी लॉन्ग। अब यहाँ पर ये बात है क्योंकि हर नोड जो है उसने मैसेज को पहले सेव करना है, देन उसको अपनी नेक्स्ट नोड की तरफ पास आउट करना होता है, तो इसमें एक सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मैसेज को सेव करने के लिए। और उसके अलावा इसमें ये भी हो सकता है कि आपके मैसेजेस जो हैं वो लॉन्ग हो सकते हैं, काफ़ी बड़े हो सकते हैं, हैवी हो सकते हैं,
तो इसमें टाइम डिले आ जाएगा यूजिंग दिस टाइप ऑफ स्कीम ड्यू टू स्टोर एंड फॉरवर्ड, क्योंकि अगर आपने एक नोड पे डाटा सेंड किया है तो उसको दूसरी पे पास आउट करने के लिए टाइम रिक्वायर होगा। अगर तो वो डाटा पैकेट उसका साइज छोटा है तो वो जल्दी पास हो जाएगा, और अगर ज़्यादा है हैवी है तो उसको डिले हो जाएगा, टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा। इसी वजह से कहा है इसको कि इसमें डिले आ जाता है और टाइम जो है वो ऐड हो जाता है नोड्स की ट्रांसमिशन पाथ के अंदर। ये इसकी स्कीम है। आप इसमें देख सकते हैं कि एक मैसेज जो है वो इस रूट से रूट ए बी डी एफ जी एंड एच को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और एक ये रूट ले रहा है मैसेज स्विचिंग के अंदर। हर एक जो मैसेज है वो नोड से पास आउट करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। यहाँ पे हर नोड जो है वो उसको अपने डिस्क के ऊपर स्टोर करेगी और देन पास करेगी। इसमें जो है वो डिले आ सकता है अकॉर्डिंग टू द पैकेट या मैसेज साइज। एडवांटेजेस क्या है? चैनल एफिशिएंसी कैन बी ग्रेटर कंपेयर टू द सर्किट बिकॉज मोर डिवाइसेज आर शेयरिंग द चैनल। इसमें क्योंकि मल्टीपल नोड्स होती हैं हमारे पास, इस वजह से इसमें चैनल एफिशिएंसी जो होती है वो ग्रेटर होती है। ट्रैफिक कॉग्निशन कैन बी रिड्यूस बिकॉज मैसेज मे बी टेम्परेली स्टोर्ड इन द रूट। ट्रैफिक कॉग्निशन क्या है? ट्रैफिक कॉग्निशन हम कहते हैं लाइक डेडलॉक, ठीक है, यानी ब्लॉकेज हो जाए अगर जो रूट जो है वो क्योंकि हर मैसेज को स्टोर कर रहा होता है अपने अंदर, तो इस वजह से ट्रैफिक का जो वर्कलोड होता है या ट्रैफिक का डेडलॉक वो कम हो सकता है, यानी उसके चांसेस होने के कम हो सकते हैं। मैसेज प्रायोरिटीज कैन बी एस्टैब्लिश ड्यू टू स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। आप प्रायोरिटीज जो है मैसेज के कौन सा मैसेज पहले सेंड करना है कौन सा बाद में सेंड करना है स्टोर एंड फॉरवर्ड के तरीके से आप ये कंट्रोल कर सकते हो। और ब्रॉडकास्टिंग जो है इसमें वो भी हो सकती है जब आपने ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है अगर उसको पेंड कर दिया मैसेज के साथ तो वो एक टाइम के अंदर मल्टीपल नोड्स के ऊपर ट्रेवल कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? मैसेज स्विचिंग इज नॉट कम्पैटिबल विद द इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस, यानी ऐसी एप्लीकेशंस जिसमें हमारे यूजर जो है वो इंटरेक्शन करता है लाइक वीडियो कॉल्स हैं या ऑडियो कॉल्स हैं, तो उसमें जो है मैसेज स्विचिंग वो कम्पैटिबल नहीं होती। स्टोर एंड फॉरवर्ड डिवाइसेस आर एक्सपेंसिव बिकॉज दे मस्ट हैव अ लार्ज डिस्क टू होल्ड पोटेंशियली लॉन्ग मैसेज। इसमें स्टोरेज कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं, ये एक्सपेंसिव होते हैं, यही इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग जो है ये कंबाइन करती है सर्किट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग के एडवांटेजेस को, ये दोनों को कॉम्बिनेशन है, और डिसएडवांटेजेस जो है वो इनको मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। और ये किस तरीके से करता है पैकेट स्विचिंग ये काम? ये दो तरीकों को फॉलो करता है, या डाटाग्राम लेता है या फिर विड्रॉ सर्किट के जरिए से अपना डाटा सेंड करता है। ये इसका कुछ कॉन्सेप्चुअल मैप है, आप देख सकते हैं कि इसमें पैकेट जो है वो सेंड हो रहे हैं, यहाँ पर इनकी कोई भी वो नहीं है तरतीब, रैंडमली सेंड हो रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आकर ये सारे कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, यू कैन सी दिस। इन बोथ पैकेट स्विचिंग मैथड्स यानी डेटाग्राम और विजुअल सर्किट में मैसेज इज ब्रोकन इन टू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स। ईच पैकेट इज टैग्ड विद द एप्रोप्रिएट सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। हर पैकेट के साथ उसके सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को अटैच कर दिया जाता है। सिंस पैकेट्स हैव स्ट्रिक्टली डिफाइंड मैक्सिमम लेंथ दे कैन बी स्टोर्ड इन मेन इंस्टेड ऑफ डिस्क, यानी सेकेंडरी की जगह वो मेन मेमरी के अंदर स्टोर हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो इसमें साइज है वो हमने फिक्स किया होता है। Therefore, access delay and cost are minimized. इसी वजह से इसमें delay और cost जो है उसका issue नहीं होता। Also, the transmission speeds between the nodes are optimized. With current technology, packets are generally accepted to the network on first come first serve basis. यानी जो packet पहले आता है उसको हम पहले transfer कर देंगे इसके ऊपर, ये strategy जो है वो apply हो रही होती है। और अगर network overload हो जाता है due to number of large packets, तो packets या तो discard हो जाएंगे, drop हो जाएंगे या delay हो जाएंगे। In packet switching, the analog signal from your phone is converted into digital data stream. The series of digital bits is then divided into relatively tiny cluster of bits called packets. यानी आपका analog data जो है phone के जरिए से digital में convert होता है। ये digital जो है ये series में जाकर आगे छोटे clusters of bits बना लेता है जिसको हम packet बोलते हैं। हर packet जो है at its beginning the digital address a long number to which it is being sent. एक बहुत लंबा डिजिटल नंबर होता है जिसमें बिट्स यानी 0-1 के फॉर्म में ये नंबर होता है जो सेंड किया जाता है। द सिस्टम ब्लास्ट आउट ऑल द टाइनी पैकेज एज फास्ट एज इट कैन एंड दे कैन ट्रेवल अक्रॉस द नेशनल बैकबोन सिस्टम टू देयर डेस्टिनेशन। जो सिस्टम है वो जितने स्मॉल पैकेज होते हैं उनको एट वंस ब्लास्ट आउट कर देता है, मतलब एट वंस आपके
फोर्स से में ट्रांसमिट कर देता है डेस्टिनेशन की तरफ, रूट कर देता है उनको, और वो फिर अपने बैकबोन सिस्टम के थ्रू यानी जो उनको रूट असाइन किया होता है उसकी मदद से वो डेस्टिनेशन पे जाते हैं. दे डू नॉट नेसेसरी ट्रेवल टुगेदर एंड दे डू नॉट ट्रेवल सिक्वेंशली, जैसा कि हम यहाँ पर पीछे देख चुके हैं इन दिस डायग्राम ऑफ पैकेट स्विचिंग, कि उनका ये देखें कोई भी रूट जो है वो हमने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ यहाँ पर, ठीक है, ना ही उनको सीक्वेंस में भेजा है, ठीक है. लेकिन ये है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो एट द डेस्टिनेशन जाके सीक्वेंस में आ जाती हैं. दे डू नॉट इवन ट्रेवल वाया द सेम रूट, ना उनका रूट सेम होता है, ना वो इकट्ठे पैकेट ट्रेवल करते हैं, ना ही उनमें सीक्वेंस अरेंज होता है. बट इवेंचुअली दे अराइव एट द राइट पॉइंट, द डिजिटल एड्रेस एडेड टू द फ्रंट ऑफ ईच स्ट्रिंग ऑफ डिजिटल डाटा एट द डेस्टिनेशन आर असेंबल्ड इनटू करेक्ट ऑर्डर. यानी हमने जो स्टार्ट में उसके पैकेट के साथ उनका एड्रेस अटैच किया था तो वो डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद सारे पैकेट जो हैं वो अलाइन हो जाते हैं, सीक्वेंस में आ जाते हैं और फिर सेंटर की तरफ और रिसीवर जो है उनको रिसीव कर लेता है. डेटाग्राम जो है इसके जरिए से पैकेट स्विचिंग कैसे वर्क करती है, ये सिमिलर है हमारे पास मैसेज स्विचिंग का, जो मैसेज स्विचिंग करती है सेम वही काम है डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग का. इन विच ईच पैकेट इज सेल्फ कंटेन्ड यूनिट विद कंप्लीट एड्रेसिंग इन्फॉर्मेशन अटैच, यानी इसमें हर पैकेट के साथ एड्रेस इन्फॉर्मेशन अटैच होता है. दिस पैकेट अलाउज पैकेज टू टेक अ वैरायटी ऑफ पॉसिबल पाथ्स टू द नेटवर्क, पॉसिबल पाथ जो है वो ले सकता है ये नेटवर्क में. सो द पैकेट्स ईच विद द सेम डेस्टिनेशन एड्रेस डू नॉट फॉलो द सेम रूट, यानी ऐसे पैकेट्स जिनका डेस्टिनेशन एड्रेस सेम है वो एक रूट से ट्रैवल नहीं करेंगे एंड दे मे अराइव आउट ऑफ सीक्वेंस एट एग्जिट पॉइंट और नोड, और ना ही वो सीक्वेंस में एग्जिट पॉइंट और नोड की तरफ आते हैं, ठीक है. यानी जिनका रूट जो है वो एड्रेस सेम है वो सेम रूट को फॉलो करते हुए नहीं आते. Reordering is done at the destination point based on the sequence number of the packets. अब address के अलावा हर packet को sequence number हमने किया होता है, यानी जिनका address same होता है उनमें packets को division करके हम sequence number assign कर देते हैं कि ये पहला packet है, ये दूसरा है, ये तीसरा. जब वो destination पे पहुँचते हैं different routes की मदद से तो वो आपस में align हो जाते हैं, कटके हो जाते हैं और sequence में आ जाते हैं. It is possible for a packet to be destroyed if one of the nodes ऑन इट्स वे स्क्रैच, यानी जितने नोड से वो ट्रैवल करते हुए आ रहे होते हैं अगर वो नोड में से कोई एक नोड जो है वो क्रैश हो जाती है तो आपका पैकेट जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है. दस ऑल इट्स क्यूड पैकेट में भी लॉस्ट, और इसकी वजह से जितने उसके पीछे पैकेट्स आ रहे होंगे वो भी डिस्कार्ड हो जाएंगे. वर्चुअल सर्किट की मदद से कैसे होती है, इसमें आपने रूट जो है वर्चुअल सर्किट के अंदर आपने प्री प्लान किया होता है, यानी डाटा को सेंड करने से पहले सेंडर साइड के ऊपर आपने इसकी डेस्टिनेशन में रूट अटैच किया होता है कि ये पैकेट जो है इसी रूट को फॉलो करता हुआ जाएगा. लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है व्हेन ए सेंडर सेंड ए कॉल रिक्वेस्ट पैकेट टू द रिसीवर, जब सेंडर जो है वो कॉल रिक्वेस्ट पैकेट सेंड करता है रिसीवर को एंड द रिसीवर सेंड बैक एन एक्नॉलेजमेंट पैकेट कॉल एक्सेप्टेड पैकेट, यानी कॉल रिक्वेस्ट पैकेट सेंड किया जाता है और फिर रिसीवर साइड पर जो है वो कॉल एक्सेप्ट पैकेट आता है इफ द रिसीवर एग्रीज ऑन कॉन्वर्सेशनल पैरामीटर्स, अगर रिसीवर जो है वो कॉल लेने के लिए तैयार हो जाता है, कॉन्वर्सेशन के लिए तैयार हो जाता है तो फिर आपका जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है. द कॉन्वर्सेशन पैरामीटर्स कैन बी पैकेट साइज पाथ टू बी टेकन एंड अदर वेरिएबल्स, अब ये पैरामीटर्स जो हैं वो कौन से हैं, पैकेट का साइज जो है वो हो सकता है, कौन सा रूट है वो हो सकता है, दूसरे वेरिएबल्स नेसेसरी टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन कॉन्वर्सेशन, ये सारे जो है इसमें आ जाएंगे. वर्चुअल सर्किट्स इंप्लाई एक्नॉलेजमेंट फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल सो वर्चुअल सर्किट्स आर रिलायबल, इसमें आपके पास एक्नॉलेजमेंट होती है, यानी आपने यही चीज़ होती है कि पहले एक सेंडर जो है वो रिक्वेस्ट करेगा, जब तक रिसीवर ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होना, डैट का एक्नॉलेजमेंट. फिर फ्लो को यानी डाटा के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, प्री प्लान रूट की वजह से एरर आ जाता है तो उसको कंट्रोल किया जाता है, इसी वजह से इन सर्किट्स को रिलायबल कहते हैं. डिफरेंस क्या है डाटाग्राम और वर्चुअल सर्किट के दरमियान, विद वर्चुअल सर्किट द नोड्स डू नॉट नीड टू मेक अ राउटिंग डिसीजन फॉर ईच पैकेट, क्योंकि इसका डिसीजन जो है वो आपके सेंडर साइड से पहले से ही हम कर देते हैं कि यही रूट जो है इसको फॉलो करना है, पैकेट अपना रूट को चूज नहीं करता. इट इज मेड ओनली वंस फॉर ऑल पैकेट्स यूजिंग द वर्चुअल सर्किट. वर्चुअल सर्किट्स जो हैं ये क्या गारंटी करते हैं, द पैकेट सेंट अराइविंग सेंट ऑर्डर सेंट, यानी जिस ऑर्डर में आपने इनको सेंड किया है ये उसी ऑर्डर में रिसीवर साइड पर रिसीव हो जाएंगे,
विद नो डुप्लीकेशन और ओमिशन, इसमें ना तो डुप्लीकेशन होगी ना ही कोई ओमिशन होगी, विद नो एरर्स यानी प्रोबेबिलिटी जो है उसकी हाई होगी रिगार्डलेस ऑफ हाउ दे आर इंप्लीमेंटेड इंटरनली, यानी इसमें कोई एरर नहीं होगा, ना ही डाटा डुप्लीकेट होंगे ना ही लॉस होंगे, अभी सीक्वेंस में आपने उसको सेंड किया है उसी सीक्वेंस में अराइव होंगे। एडवांटेजेस क्या है, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज स्विचिंग डिवाइस डू नॉट नीड मैसिव अमाउंट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, इसलिए हर नोट के ऊपर डाटा सेंड नहीं होता, रूट जो है वो उनका प्री प्लान होता है, इस वजह से उनको सेंड कर दिया जाता है, डिले नहीं आता इसकी वजह से क्योंकि पैकेट का साइज जो होता है वो फिक्स होता है और पैकेट कैन बी री रूटेड इफ एनी प्रॉब्लम अकर्स। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास आप अगर पैकेट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको आप री रूट कर सकते हो, दोबारा से सेंड कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रोटोकॉल्स फॉर पैकेट स्विचिंग आर टिपिकली मोर कॉम्प्लेक्स, प्रोटोकॉल्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इट कैन ऐड सम इनिशियल कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए कॉस्ट जो है वो कुछ करते हैं। इफ पैकेट इज लॉस्ट सेंडर नीड्स टू रीट्रांसमिट द डाटा, सेंडर को दोबारा से डाटा जो है वो ट्रांसमिट करना पड़ता है अगर पैकेट लॉस हो जाता है। अनदर डिसएडवांटेज इज दैट पैकेट स्विच सिस्टम स्टिल कांट डिलीवर द सेम क्वालिटी एज डेडिकेटेड सर्किट, यानी जैसे सर्किट स्विचिंग के अंदर डाटा की क्वालिटी जो थी वो अच्छी थी लेकिन पैकेट स्विचिंग के अंदर वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो सकी। ठीक है, इसमें डिले आ जाता है, जैसे कि अगर वॉइस कम्युनिकेशन से मूविंग इमेजेस की बात की जाए तो वो डिले कॉज करती हैं और इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्विचिंग का। थैंक यू सो मच।